हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार डिफेंस वाला यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एंड दैट इज प्रोजेक्ट 75i। अब ये प्रोजेक्ट 75i क्या है, इसके तहत भारत क्या करने वाला है, इन सब मामलों पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ में जब मैं आपको प्रोजेक्ट 75i समझाऊंगा, तो आई यहां मतलब होता है इंडिया, तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया जब मैं समझाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट 75 और क्या उसका डिफरेंस है प्रोजेक्ट 75i से। इन दोनों चीजों को हम बात करेंगे, राइट? तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आर्टिकल निकला हुआ था, एंड इट इज रिटन लेसन फ्रॉम प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 से भारत ने क्या क्या सीखा है, तो ये चीज न्यूज में आई थी, हेंस इट कैन बी इन योर एग्जाम। आप देख सकते हैं 2021 8 जून को ये खबर छपी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर द प्रिंट ने भी आर्टिकल छापा कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 75 इंडिया, अब ये प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, एंड व्हाट डज इट मींस फॉर द इंडियन नेवी। तो चलिए इन पे हम लोग बात करते हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो बातें आपको पता चलेंगी हमारे सबमरीन्स के बारे में, वो आपके लिए एकदम नई खबरें होंगी, बहुत ही आपको मस्त तरीके से समझाऊंगा। देखिए पहले मैं आपको प्रोजेक्ट 75 बताता हूं कि ये क्या है। इंडियन नेवी का ये एक प्रोग्राम है जिसके तहत भारत क्या करने वाला है, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को बना रहा है, ठीक है। अब ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले एक बेसिक सी चीज बता दूं, द सबमरीन्स इन द P-75 स्कॉर्पियन क्लास जो हैं, दे आर पावर्ड बाय एज यू कैन सी कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। सिंपल सी बात कहने का मतलब क्या है यहां पर, ये क्या कह रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, ठीक है, वो क्या होती, या तो वो डीजल से चलती है या वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब या तो वो डीजल से बनी चल रही होगी उसका इंजन, या वो बिजली से चल रहा होता है, ठीक है। तो कन्वेंशनल सबमरीन्स ये होती है, दो प्रकार की सबमरीन होती है, ठीक है। अगर मैं कहूं दो प्रकार सबमरीन्स की बात करूं, तो सबमरीन्स दो प्रकार की है, एक तो सबमरीन होती है वो होगी आपकी कन्वेंशनल, और दूसरी होती है न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है ना। कन्वेंशनल सबमरीन मतलब वो सबमरीन जो बिजली या डीजल से चल रही है, और न्यूक्लियर सबमरीन यू कैन अंडरस्टैंड न्यूक्लियर की हद से चल रही है, ठीक है। तो यहां जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई जा रही हैं, ये कन्वेंशनल सबमरीन होंगी जो डीजल इलेक्ट्रिक से चलेगी, समझ में आ गया। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया था। वहां आप देख सकते हैं ये 6 हमारी सबमरीन के नाम यहां आपके सामने डिस्प्लेड है। फर्स्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो INS कलवारी थी, 2017 में इसको कमीशन कर लिया गया था। उसके बाद INS खंडेरी है जिसको 2019 में कर लिया गया था। अभी कुछ महीने पहले INS करांज को, यहां पर आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है ये INS करांज, इसको अभी 2020 में किया गया था, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर वेला, वागीर और वागशीरी, वागशीर, ये हमारी टोटल 6 सबमरीन है जो भारत इस प्रोजेक्ट 75 के तहत बना रहा था, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, देखिए एक वर्ड होता है लॉन्च करना, जब इसको बना के, जैसे अगर बनाया किसने, माजगांव डॉक लिमिटेड, MDL इसको बोलते हैं, ये मुंबई में है, ठीक है, इसने बनाया शिप इस सबमरीन को, तो इसने लॉन्च कर दिया। लॉन्चिंग अलग होता है, याद रखिएगा, और कमिशनिंग अलग होता है। जब कोई चीज शिप लॉन्च हो जाती है, सबमरीन लॉन्च हुआ, उसके बाद उसके ट्रायल्स होंगे, जब ट्रायल पूरे हो जाएंगे तब उसको इंडियन नेवी कमीशन करती है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने प्रोजेक्ट 75 क्या है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। और उनके जो सबमरीन है वो आपके नाम भी यहां पर लिखे हैं, तो एज यू कैन सी हियर, ये आप देख सकते हैं द हिंदू की खबर है, 4th स्कॉर्पियन सबमरीन लाइकली टू बी इंडक्टेड बाय द एंड ईयर, ये आपकी मार्च की खबर दिखा रहा है 2021। और उसके बाद यहां पर देखिए इंडियन नेवीज 5th स्कॉर्पियन क्लास जो वागीर है वो लॉन्च हो गई थी, ये दिखा रहा है 2020 नवंबर की बात है, ठीक है। करंट अफेयर्स में नहीं बता रहा हूं, करंट अफेयर्स में चीज दूसरी है, वो आपको 8 जून का आर्टिकल था, 8 जून के आर्टिकल में प्रोजेक्ट 75 का नाम ले लिया गया, यूपीएससी के लिए काफी है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 75, वो उसे ही पूछेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है वो प्रोजेक्ट 75 आई पूछ ले, क्योंकि वो नया प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी इट इज इंटरेस्टिंग, है ना, खाली रखने से काम नहीं चलेगा। तो आई होप ये आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब यहां पर क्या किया जा रहा है कि ये जो सबमरीन्स हैं जो प्रोजेक्ट 75 के तहत लॉन्च हुआ है, उनके अंदर एक यहां पर नए वाले प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है, एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। अब ये AIP सिस्टम क्या है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। एज यू कैन सी बेसिक्स आप यहां रीड कर पा रहे हैं, सबमरीन दो प्रकार की होती है, कन्वेंशनल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। अब क्या होता है
कि इन सबमरीन्स को, इन पनडुब्बियों को एटमॉस्फेयर मतलब फ्यूल को जलाने के लिए लगात ऑलमोस्ट डेली उनको सरफेस तक आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर इन्हीं शिप्स के अंदर हम एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा दें तो यही शिप्स को डेली नहीं आना पड़ेगा सतह तक, वो नीचे ही रह सकते हैं ऑलमोस्ट फॉर अ वीक, हफ्ते में 10 दिन में एक बार उनको ऊपर आना पड़ेगा और वो उसका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करके फ्यूल कंबशन कर सकते हैं। तो एज यू कैन रीड हियर, कन्वेंशनल सबमरीन्स जो जैसा मैंने बताया डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन उनका होता है, DE से याद रखिएगा, ठीक है, सरफेस ऑलमोस्ट डेली टू गेट एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर फ्यूल कंबशन। लेकिन इफ सबमरीन्स आर फिटेड विद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम तो क्या होगा, ये सबमरीन विल नीड टू टेक इन ऑक्सीजन ओनली वंस अ वीक। तो ये हमको एडवांटेज इस AIP सिस्टम से होने वाला है। तो अब हम बात करें अगर, तो देखिए द प्रोजेक्ट एम्स एट फिटिंग द टेक्नोलॉजी ऑन इंडियाज स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन INS कलवारी। अब ये INS कलवारी 2023 INS कलवारी कौन सी है ये आप देख सकते हैं, 2000 मतलब जो इसकी प्रोजेक्ट 75 की फर्स्ट सबमरीन थी उसमें प्रोजेक्ट 75I के तहत क्या किया जाने वाला है, इनमें अब AIP सिस्टम इंडक्ट इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी जो आपको AIP सिस्टम समझना चाहिए। अब प्रोजेक्ट 75I क्या है, तो जैसे प्रोजेक्ट 75 के तहत हम 6 पनडुब्बियां बना रहे थे दैट टू कन्वेंशनल, प्रोजेक्ट 75I के तहत हम 24 यहां सबमरीन बनाएंगे, ठीक है। ये 30 साल का प्रोग्राम था जो 2030 तक खत्म होना है और इसमें यहां देखिए इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड 24 सबमरीन्स, इन 24 सबमरीन्स में 18 सबमरीन कन्वेंशनल टाइप की होंगी, ठीक है, जो डीजल इलेक्ट्रिक से चल रही होंगी और बकाया जो 6 हैं वो न्यूक्लियर कैपेबल होंगी, ठीक है ना, वो न्यूक्लियर पावर होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोजेक्ट का, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह की कैपेबिलिटीज आ जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारा जो एक चिर प्रतिद्वंदी है चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम इनसे अपनी लड़ाई लड़ने की क्षमता और इंप्रूव बढ़ा लेंगे, राइट। सो P75I प्रोजेक्ट 75I इज अ पार्ट ऑफ 30-year-old सबमरीन बिल्डिंग प्रोग्राम जो 2030 में एंड हो रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको यहाँ क्लियर हो गया। अब यहाँ रिसेंटली न्यूज क्या आई है कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने शी इज द हेड ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC। ये DAC क्या होता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उन्होंने रिसेंटली अभी इस 24 में से जो 24 बनानी है सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत उसमें से 6 कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए क्लियर कर दिया है ऑर्डर, और ये कन्वेंशनल सबमरीन जो है इनमें बेटर सेंसर्स लगाए जाएंगे, साथ में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी लगाया जाएगा, ठीक है। इस चीज का जो यस है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मतलब हमारी जो निर्मला सीतारमन जी है उन्होंने इसको यस कर दिया, और ये जो काम किया गया है दिस हैज बीन डन अंडर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। अब सर ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या है समझाता हूं आपको, लेकिन आपको फुली समझ में आ गया कि न्यूज में रिसेंटली क्या है। अब ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल क्या होता है, इसमें सरकार जो है गवर्नमेंट क्या करती है एक यहां पर इंडियन शिपयार्ड को सेलेक्ट करेगी जो कि फॉरेन गवर्नमेंट्स फॉरेन कंपनीज को वहां पर क्या करेगी उनको नॉमिनेट करेगी, ठीक है। तो उनको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM, ठीक है, जो एक्चुअली सबमरीन को बनाने के काम में लगी हुई है, ठीक है, उनको यहां पर हमारी शिपयार्ड जो है वो उनको नॉमिनेट कर देगी और फिर वो उसको बनाएंगी। तो बेसिकली आपको पता है हमारे यहाँ मजगांव डॉक लिमिटेड है, ठीक है, एक यहाँ पर लार्सन एंड टूर्बो भी है जिसको ये मिला हुआ है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट 75I था सबसे पहले इसको 2007 में क्लियर किया गया था, मतलब फेजेस में ये होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 24 बनाई जाएंगी, इसको फेजेस में अप्लाई किया जाएगा, फेज 1 फेज 2 ऐसा। तो पहली बार 2007 में इसको क्लियर किया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर ये एकदम ऐसे ही पड़ा रहा, इस पे कोई कामकाज नहीं हुआ। अभी रिसेंटली इसको यहां पर निर्मला सीतारमन जी ने इसको क्लियर किया है कुछ 6 सबमरीन बनाने की, ठीक है। अब न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें, हमारे पास जो 2 है भारत में, एक है INS अरिहंत और दूसरी है INS चक्र, ठीक है, ये 2 नाम भी आपको याद होने चाहिए। INS अरिहंत है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ठीक है, और दूसरी INS चक्र आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है, और ये हमने लीज से लिया रशिया से। तो ये आई होप फुली आपको इतनी सारी बातें जो है यहां क्लियर हो गई होंगी। अब एक लास्ट चीज है कि सर ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या बता रहे थे आप, देखिए डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर मामला, कोई नई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो ये सब काम जो है वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल करता है, कोई चीज एक्वायर करना है, ठीक है ना, वो करेगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होता है
जो मिनिस्टर होता है डिफेंस डिफेंस का, वो इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है वो चेयरमैन है ऑफ द काउंसिल, और ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की, जिसके तहत हम न्यू पॉलिसीज, हम कैपिटल एक्विजिशंस फॉर द थ्री सर्विसेज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स प्लस द इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके लिए यहां पर मतलब ये कामकाज करता है, डिसाइड करता है। तो आई होपफुली आपको ये प्रोजेक्ट 75 समझ में आया, जिसके तहत हम 6 क्लास सबमरीन्स बना रहे थे स्कॉर्पियन क्लास, और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट 75 आई लॉन्च किया, जिसके तहत हम 24 यहां पर सबमरीन्स बना रहे हैं। तो होपफुली ऑल दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ गुड डे।